देखिए, शहर में ग्रेटर नोएडा में अगर आप एक शानदार फ्लैट की खोज में हैं, शानदार लोकेलिटी की खोज में हैं, तो ये देख लीजिए हाई राइज बिल्डिंगों के बीच में लो राइज फ्लैट्स मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आपका बजट नहीं है हाई राइज बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी सोसाइटियों में लेने का, तो छोटी सोसाइटियों में आपको ये मौका मिलने वाला है। सस्ते में आपको यहाँ पर फ्लैट्स मिल जाएंगे। देख लीजिए लोकेलिटी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए फ्लैट्स लगे ही आपको एकदम सड़क जाती है। ये देखिए इसके पास से ही सड़क गुजर रही है और सड़क भी एकदम बहुत ही शानदार है और आना जाना एकदम आसान होने वाला है। मेट्रो के एकदम पास में आप होने वाले हैं। सेक्टर 50 और 52 मेट्रो स्टेशन इसके पास में है। सरफाबाद मेट्रो स्टेशन भी इसके पास में पड़ जाता है। तो ये बेसिकली सरफाबाद गांव में होने वाला है, सेक्टर 73 में। और ये जो हाई राइज बिल्डिंग है आप देख रहे हैं इसी के लगे हुए, ये सेक्टर 75 में पड़ती हैं। यानी कि देखिए यहाँ के बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 73 चालू हो जाता है और यहाँ से सेक्टर 75 लग जाता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको लो राइज बिल्डर फ्लोर्स दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी शानदार होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको देखिए ये फ्लैट दिखाने वाले हैं। इसमें अगर आप फ्लैट चाहते हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, सरफाबाद मेट्रो स्टेशन के एकदम ठीक पास में पड़ता है। तो ये वाला जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये होने वाला है। इसमें भी आपको लगभग 60 से 70% मतलब बुक हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं, मात्र 30% बच गया है। अगर प्लान लेआउट ये कहें तो प्लान लेआउट ये होने वाला है 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK, तीन तरह के फ्लैट्स इसमें होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल 3 BHK सारे के सारे फुल हो चुके हैं और 1 और 2 BHK आपके लिए अवेलेबल है। तो ये पूरा का पूरा लेआउट होने वाला है। चलिए मैं आपको अब आगे घर दिखाता हूँ सीधा। तो देखिए अब हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यही वाला आपका फ्लैट होने वाला है। जेनसेट्स वगैरह की फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये दुकानें हैं, यहाँ पे फ्रंट में आपको दुकानें मिल जाती हैं। आगे फ्लैट्स हैं, आगे से चलेंगे तो आगे आपको सीढ़ी मिलेगी और साथ में लिफ्ट भी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैट्स। अब हम चलते हैं देखिए ऊपर, आपको अब हम सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। यहाँ पे लिफ्ट्स वगैरह की फैसिलिटी है, वैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एक चालू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ देखें तो देखिए लॉबी है, लॉबी पे दोनों तरफ से आपको एंट्री गेट्स मिलते हैं। इधर भी देख लीजिए दोनों तरफ से लॉबी में आपको एंट्री गेट्स मिलते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहले हम आपको दिखा देते हैं 2 BHK, है ना सर? बिल्कुल सर, ठीक है। 2 BHK का हम सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंट्री है। वैसे आपको ये इस तरह फर्नीचर नहीं मिलेंगे, सिर्फ घर मिलेगा और इसी तरह से पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ प्लास्टर के साथ में, मतलब पूरी तरह से इस तरह से फर्निश मिलेगा, फर्नीचर आपको लेके आने हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए ये 2 BHK है, इसका ये हॉल है। हॉल का साइज़ देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया साइज़ आपको मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम साइज़ की बात करें तो लगभग 10x12 का है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हॉल का साइज़ देखिए बढ़ जाता है, लगभग 10x19 का साइज़ ये हो जाता है। ये देख लीजिए ऐसे, फिर आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको ठीक यहाँ पे किचन मिल जाता है। ये किचन देख लीजिए और किचन से सटे ही ठीक एक आपको बेडरूम मिल जाता है। तो यहाँ पे बेडरूम आप देखिए, ये बेडरूम का साइज़ भी देखिए काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पर आपको बालकनी मिल जाती है। चलिए हम यहाँ से आपको बालकनी भी दिखा देते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, फ़ैन चल रहा है तो इसकी स्पीड है। तो यहाँ पे बालकनी जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको बालकनी मिल रही है। देखिए वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये बालकनी आपको मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ये हॉल में आता है। यहाँ पे बगल में आपको किचन मिलती है और किचन के ठीक बगल में आपको फिर एक दूसरा बेडरूम यहाँ पर मिल जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर भी आपको इससे लगा हुआ कनेक्टेड आपको वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम देख लीजिए, वॉशरूम का भी स्पेस काफ़ी बड़ा है। अगर साइज़ की बात करें तो लगभग मेरे को लग रहा है कि 6x8 फीट के आसपास में या 9 फीट के आसपास में ये होगा साइज़। और यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाता है, वार्डरोब भी देख लीजिए। और साथ में यहाँ पे भी देखिए आपको थोड़ा सा एक वेंटिलेशन का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो वॉशिंग एरिया, देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है, फिटिंग्स, वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप लगा के रख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेसियस है, इधर से भी वेंटिलेशन है। तो ये देख लीजिए, तो ये हुआ आपका 2 BHK। अब हम चलते हैं, आप अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए हम 1 BHK फ्लैट्स दिखाएंगे। प्राइस हम सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा आप बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए ये लॉबीज होते हुए जाते हैं, इस साइड में आपको ये मिलता है, ये सिंपल फ्लैट है, ये दिखाता हूँ। ये देखिए तो ये है 1 BHK और इसमें भी साइज़ आप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया साइज़ है। साइज़ की बात करें तो देखिए लगभग 9.5 फीट का साइज़ है। और देखिए 2 BHK में आपको मैं ऐसे कॉमन बाथरूम दिखाना भूल गया था, उसमें भी ये बाथरूम है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी ये आपको कॉमन एरिया में मिल जाता है।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये हॉल है, हॉल के साथ में यहाँ पे देख लीजिए ये किचन मिल जाता है आपको, और किचन से लगे हुए फिर एक और आपको बेडरूम मिल जाता है ये देखिए, और इसमें भी आपको बहुत बड़ा स्पेस मिलता है। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक तरह का बहुत बड़ा एक तरह का छोटा सा रूम है, स्टोर रूम कह सकते हैं, साइज काफ़ी बड़ा है। वॉशिंग एरिया वगैरह आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं ये देखिए, तो यहाँ पे वॉशिंग एरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है। साइज़ की बात करें तो देखिए टाइल से ही अंदाज़ा लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब लगभग 16 फीट का है, 2 फीट का एक टाइल्स होता है तो 16 फीट का ये स्पेस मिल जाता है। और अगर इसके मतलब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आप देख सकते हैं, चौड़ाई भी है 1, 2, 3 और 3.5 मतलब 6.5 फीट का, तो 6.5 फीट का ये आपको स्पेस मिल जाता है। ये हो गया आपका 1 BHK। तो इसका रेट कम होगा क्योंकि ऑब्वियसली एरिया कम है। किचन के अगर साइज़ की बात करें तो देखिए पूरी तरह से एकदम सब कुछ लगा हुआ, वाटरप्रूफ वगैरह अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो देख लीजिए ऐसे मिलता है। ये वैसे आपको वाटर प्यूरीफायर की जगह है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए ये सब कुछ एकदम पूरा बना हुआ मिल जाता है। तो इस तरह से आपको फर्निश्ड एकदम किचन भी मिल रहा है, हॉल आपने देख ही लिया है। तो अगर हम इसके पूरे एरिया की बात करें तो कितने में होने वाला है ये? ऐसे हमारे अभी 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये 1400 गज का है, 1400 गज का है, 1400 गज का ठीक है। इसके अंदर में 84 फ्लैट्स है, 84 फ्लैट्स बने हुए, जो 1000 गज का है उसमें भी करीब करीब 60 फ्लैट्स आने वाले हैं, और 500 गज वाले में आपको 40 फ्लैट्स आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 200 के अप्रोक्स में फ्लैट्स आने वाले हैं। तो ये सारे जो है नए प्रोजेक्ट्स जो है वो बाद में आएंगे, ये ऑन रनिंग प्रोजेक्ट ये है। हाँ, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रहा है, इसमें फैमिली रह भी रही है। बिल्कुल, इसमें तो फैमिली रह भी रही है, उसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब आइए आप और आके मतलब देख लीजिए, जो पसंद है वो उसमें से आप वो कर सकते हैं। रेट सबके सेम है क्या? बिल्कुल सर, रेट जो है सेम ही रहेगा, दोनों लोकेशन प्राइमरी लोकेशन पे रहने वाला है। अच्छा, तीनों प्रोजेक्ट हमारे जो है आसपास में ही चल रहे हैं। और इसका अगर हाइट वगैरह की बात करें तो कितनी है सर, मतलब कितने फ्लोर्स हैं ये? सर G+6 फ्लैट है। अच्छा, G+6। इसके अंदर पार्किंग है, पार्किंग का एक्स्ट्रा है, और इसके अंदर में शॉप्स आ जाते हैं आपके, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी नीचे हैं, शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट है, सारे है, सब कुछ फैसिलिटी है, जिम है, उसके ऊपर में 6 फ्लोर है। तो इसमें तो कोई खाली नहीं है दुकानें? नहीं सर, सारे फुल हो चुके हैं, शॉप सारी फुल है। ठीक है, और नए वाले प्रोजेक्ट में अगर दुकान चाहिए तो वो मिल जाएगी? उसमें मिल जाएगा सर। ठीक है, तो उसके लिए भी आपसे बात कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप ही का नंबर है ना? बिल्कुल सर जी, ठीक है। अभी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, अगर इसमें आप फ्लैट में आप बुक करते हो तो 10% बुकिंग अमाउंट है, अगर आप परचेजिंग के मन बना के आते हो तो 30% आपका डाउन पेमेंट है, 70% आपका फाइनेंस भी हो जाता है बैंक से। अच्छा, कौन कौन सा बैंक यहाँ पे दे रहा है लोन? ICICI बैंक का भी फाइनेंस है, और NBFC के 3-4 बैंक है वो भी फाइनेंस कर देते। तो आप लोग करा के दे देंगे? बिल्कुल, सब कुछ करा के देंगे, बस आपको एडवांस जो बुकिंग एडवांस है वो दे दो, बाकी सब हम फाइनेंस करवा देंगे। बिल्कुल, तो मन बना चुके हैं तो यहाँ पे अगर आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल ही सर, यहाँ पे सेक्टर 75 में आप आके मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल ही नजदीक हमारा लोकेशन पड़ता है। कौन सा मेट्रो स्टेशन है? तरफाबाद मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से बिल्कुल ही आपको सीधा रास्ता आता है अंदर की साइड, आप वहाँ से आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत आसान है, और अगर आपसे कोई फोन पे बात करता है तो लोकेशन भी भेज ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अटेंड कर देंगे, और यहाँ पर आप आके हमसे बात भी कर सकते हो और फ्लैट भी देख सकते हो, सब फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।